जो लाइफ का भी सिचुएशन है, थोड़ा सा उन लोग के लिए थोड़ा टेंस वाला माहौल चल रहा है एक्चुअली। आई होप कि समझ आ रहा है। Since 1995, growing up same street, you mean my ride or die. All the years it would grow us apart. Yeah, moved away, but you're still in my heart. Yeah, call you up, how you been? Can we play rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh, oh. I've been waiting on you for so long. Good morning and welcome to a new day and a new vlog. आज morning करते करते थोड़ा देर हो गया। इसको दिया था बाहर, अभी लग रहा है कि बारिश होगा। जल्दी ना एक चीज दिखाते हो, बारिश स्टार्ट हो गया। It's killing me to see you there with a broken heart. If you knew, I've been waiting on you. बाहर हो रहा है बारिश में खाना बनाए थे तो अचानक देखा थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है तो मैं जल्दी से बाहर गई बालकनी में एक्चुअली जहाँ पे मैं बर्ड्स को ना सीड्स देती हूँ तो मैं गई तो मैं उधर पे जाके मैं देख रही हूँ ऑलरेडी एक डव बैठा है और मैं चुपचाप से ना वापस अंदर आ गई। फिर मैं जल्दी से सोचा कि नो रिकॉर्ड करती हूँ कि यू नो वो खाने आया है और एक्चुअली बारिश का पानी वो सीड्स में लगेगा या राइस देती हूँ तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा। आके भी देख रही हूँ ना गिरा दिया ऑलरेडी तो एक्चुअली जैसा बोल है ना गिरेगा उसका कसूर है नहीं। मेरे पास कुछ अच्छा मिली नहीं, लास्ट टाइम मैंने जो दिया था वो ट्रांसपेरेंट वाला वो ना नीचे गिरा दिया। अब मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है। सो अभी हो गया है इवनिंग। आफ्टरनून का आज मैं लंच में बनाई थी चिकन करी प्रेशर कुकर में। एक तो जल्दी भी हो गया और बहुत लाइट था। पर कुकिंग करने के बाद मैं विकास को बोल रही थी कि यार इतना धूप है बाहर और गर्मी है तो मेरे को बिल्कुल नहीं मन करा था कि मैं चिकन को खाऊं। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ सैलड बनाया। मेरे पास ब्लैक चना था, जस्ट चॉप किया टमाटो, अनियन, थोड़ा नींबू दिया, सॉल्ट दिया, चाट मसाला, दैट्स इट। वो अगर नहीं होता तो सच में आज नहीं खा पाती। सुबह को उठी तो अच्छा खासा धूप था तो मैं एक दो चीज़ें ना मुझे देना था धूप में तो वो मैं दे के आई खाना इधर बिठा के, लंच बिठा के एक्चुअली। फिर देखा कुछ देर बाद ना एकदम क्लाउडी हो गया। मैं लाइक जल्दी से गई, देन आई रियलाइज कि थोड़ा थोड़ा बारिश गिरना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मैं उठा लिया क्योंकि बार बार किचन में जाओ फिर आके बालकनी में देखो कि कब बारिश हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या तो मैं भूल जाऊँगी या भीग जाएगा। और डव को तो दिखाया था। विकास सोया हुआ है, मैं उसको बुलाऊँगी, मुझे बोला है बुलाने के लिए तो मैंने उसको बोला यार सो जाओ। फिर बोला कि नहीं ज़्यादा सोएगा फिर रात को नहीं सो पाएगा, फिर उल्टा फुटा हो जाए। उसका काम भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा कम है एक्चुअली, इसीलिए मैंने बोला सो जाओ और उसको बाहर भी जाना ऊपर से। तो ये है सिचुएशन, मैं उसको बुलाऊंगी तो अभी टाइम नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है टाइम। आपको उठे थे, हर एक काम ऑन टाइम हो गया, जो भी चेकलिस्ट में था सब खत्म। और आज का वीडियो भी मेरा चेकलिस्ट में था वो भी आज खत्म हो जाएगा, चेकलिस्ट से चला जाएगा, जो है माई कलेक्शन ऑफ परफ्यूम। सोचा चलो कॉफी बना के आते हैं, फिर कॉफी पीते पीते बात करेंगे। मैं ना मून दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। So, आज जैसे मैंने पहले ही बोला है आज मैं अपना परफ्यूम कलेक्शन शेयर करूंगी। कॉफी बना के मैं लेके आ गई हूँ और
आज मैंने यू नो फ्रॉक तो यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी फिर से धोना पड़ता, धुलावा नहीं है। ब्रेकफास्ट में जब कॉफ़ी बनाई थी वो वैसे ही है, और उसके साथ तब जो कॉफ़ी मग था वो भी वैसे ही है। सो अभी कौन धोएगा, और लेट हो जाएगा, शूट करूँगी फिर एडिट करूँगी, मुझे आज ही पोस्ट करना ही है। एनीवे, सो विकास को मैं कॉल करने वाली थी जैसे मैंने बोला था, तो विकास को जब कॉल किया उसने मैसेज किया कि ही इज़ ऑलरेडी ऑन कॉल, तो बोला कि मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉफ़ी बनाने लग गई क्योंकि मुझे ये यू नो ब्लॉग जो है कंटिन्यू करना ही था, तो कॉफ़ी बनाने लगी। देन ही कॉल्ड मी अप कि एक फ्रेंड है एक्चुअली विकास का, कोलकाता में ही है, बंगाली कपल है, तो उसके साथ बात हो रहा था विकास का जो फ्रेंड है। तो व्हाट हैपन कि वो लोग थोड़ा सा जो लाइफ का भी सिचुएशन है थोड़ा सा उन लोग के लिए थोड़ा टेंस वाला माहौल चल रहा है एक्चुअली। सो कुछ दिनों पहले या बोल सकते हो कुछ वीक बैक शायद ऐसा कुछ, तो उनके वाइफ को कैंसर हुआ है तो ये पता चला है। तो ऑब्वियसली उनके घर में बहुत टेंशन वाला सिचुएशन चल रहा है, एंड जो फ्रेंड है तो ही इज़ ऑल्सो वेरी डिप्रेस। तो अभी तो कीमो चलेगा, तो उनकी एक बच्ची भी है विच आई थिंक फिफ्थ स्टैंडर्ड में है या फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ है, तो दे आर इन कैलकाटा राइट नाउ। तो वही विकास के साथ बात हो रहा था, तो उन लोगों के साथ और एक मतलब तीनों अच्छे बहुत अच्छे दोस्त थे कोलकाता से, सॉरी दे आर नॉट फ्रॉम कोलकाता, मतलब तीनों अलग सिटी से है, एक दिल्ली से है, एक उड़ीसा से है, जिनका बात मैं बोल रही हूँ जो कपल है बंगाली है वो उड़ीसा से है पर कोलकाता में ही अभी है सेटल। एंड और विकास तो मतलब विकास बॉर्न हुआ है दिल्ली में पर अभी तो कोलकाता में लाइक हम लोग का सब कुछ है, घर वर एंड ऑल। सो या तो तीन जन दोस्त ऐसे ही बात करते क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर देम लाइफ में, उन लोग का भी टाइम जो है थोड़ा टेंस वाला चल रहा है। सो यही बोला। एनीवे आते हैं आज की बात में। आज जैसे मैं अपना परफ्यूम कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, सो मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा परफ्यूम है कि यू नो ऐसे कुछ लॉन्च हुआ नया और मुझे वही लेना है मैं जाके खरीद के लेके, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। सो जस्ट कुछ कुछ है जो कि कुछ कुछ मेरा बहुत फेवरेट है, इनमें से कुछ ऐसा भी है जो ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा उसको खरीदा रिपीट किया है, तो ऐसा भी कुछ फेवरेट्स है। सो वो मैं आज दिखाऊंगी। तो मेरा फेवरेट में से मैं पहले दिखाऊंगी दिस वन फ्रॉम इलीसा। पैकेट इसका गंदा हो गया क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर के मेरा परफ्यूम जो है उसका यू नो जो ओरिजिनल पैकेजिंग है उसके साथ रहे, क्योंकि ट्रैवल के टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है, अदरवाइज यू नो कैरी करने में लगता है कि टूट ना जाए ऑफ कोर्स, और आप इसको चेक इन बैग में नहीं दे सकते बिकॉज हाई रिस्क के वो टूट जाएगा। एनीवे सो ये इतना यू नो कैरी वैरी करके पैकेट का ये हाल हो गया है। इलीसा आपका मेरे पास दो है, सो दिस इज लाइक दिस। इसको मैं खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्प्रे करूँ क्योंकि ऑलरेडी जब मैं निकाल रही थी ना, क्योंकि सब मेरा एक्चुअली जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा भी सामान रहता है, तो कुछ कुछ मेंस का भी है, कुछ कुछ मेरा भी ज़्यादा ही है, तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ जो लगता है कभी बाहर उसको निकालती हूँ, अदरवाइज बाहर अंदर मतलब मेरा यू नो कबर्ड में उस वहाँ पे और ड्रेसिंग एरिया पे दोनों पे रखती हूँ, सब कुछ ड्रेसिंग एरिया पे रखूंगी तो पूरा भर्ती हो जाएगा। अच्छा, इस परफ्यूम के बारे में मैं बोलूंगी, कपड़ों पे स्प्रे करने के बाद जब तक वो कपड़ा नहीं धोएंगे इतना अच्छा इसका फ्रेग्रेंस स्टे करता है। ऑफकोर्स ये ज्यादा स्टे करेगा क्योंकि इट्स एन ऑरे परफ्यूम जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा रहता है, सो दैट्स वाई प्राइस वाइज भी थोड़ा ज्यादा होता है, एंड इट्स स्टेज रियली रियली लॉन्ग। सो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज फ्रॉम, ये मुझे गिफ्ट किया है विकास ने, और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ही ऑलवेज सेज के या वसाच वाला लगाओ वसाच वाला लगाओ। सो दिस इज हाउ इट इज, जैसे मैंने बोला मैं प्रेफर करती हूँ उसका पैकेजिंग के साथ रखने का, विकास का उल्टा है, विकास इतना पैकेजिंग नहीं रखता एक्चुअली, उसका कैरी करने में भी बहुत ईजी होता है बिकॉज उसका लैपटॉप का बैकपैक रहता है ना, तो बहुत अच्छे से यू नो प्रोटेक्शन रहता है
पॉकेट्स रहता तो अच्छे से वो ले सकता है, पर मेरा हर जगह पे मैं बैकपैक लेके नहीं जा सकती, सो आई हैव टू कैरी लाइक दैट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये आप इसका लोगो है वर्साचे का. आई होप कि समझ आ रहा है. एक है ये वाला, दिस इज गुची, बट दिस इज द मेन्स परफ्यूम एक्चुअली. ये विकास का ही है, पर विकास ये लेके नहीं गया क्योंकि उसका बैग में उतना जगह नहीं था. वो सिर्फ एक ही परफ्यूम लेके गया है. ये एक्चुअली ना एक दो बार ही यूज हुआ पूरा, लाइक फुली आप देख पा रहे हो. इतना मैं स्प्रे करूंगी ना मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी. इज सो मैनली. ऑफकोर्स मेन्स का है तो थोड़ा तो मैनली होगा ही. दिस इज अगेन फ्रॉम एलिसा. दिख रहा है पूरा वाइट दिख रहा है. मैं बॉटल ही दिखा देती हूँ. सो बॉटल जो है ना इसका ऑलमोस्ट सेम ही है, पर ये छोटा ml का है और ऑफकोर्स इसका फ्रेग्रेंस अलग है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. मुझे एलिसा का परफ्यूम्स बहुत पसंद है, मैंने पहले ही बोला है. सो दीज आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड इन परफ्यूम. ये एक्वा काइंड ऑफ है, थोड़ा सा हल्का सा मैं क्या बोलूँगी इसको, आई एम नॉट वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग के परफ्यूम यू नो कैसा स्मेल कर रहा है. फ्रूटी है, फ्लोरल है, आई एम नॉट दैट गुड, बट थोड़ा सा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मेक श्योर आप जब भी परफ्यूम टेस्ट कर रहे हो ना यू नो उसको थोड़ा अप्लाई करके थोड़ा मॉल में घूमो, थोड़ा कुछ करो, देन आफ्टर अ लिटल बिट ऑफ टाइम थोड़ा सेटल होने के बाद उसको स्मेल करो कि उसके बाद वो कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है कि चेंज हो रहा है. तो समटाइम्स क्या होता है वो चेंज हो जाता है. इट डिपेंड्स आपके बॉडी के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर, बहुत कुछ. अच्छा मुझे एलिसा का पसंद है तो ये वाला भी विकास ने ही दिया. दिस इज डियोर. ये इट फील्स लाइक आप थ्रू आउट द ईयर इसको यूज कर सकते हो, अभी भी थोड़ा बाकी है. I love it so much. The packaging is so cute. Another thing is that you can lock it. Like, ये press ऐसे करने से ना उसका perfume निकलता है. And you can literally lock it. तो press होने से भी press होगा नहीं, you know. Here, again, one of my, मतलब क्या बोलो, इतना favorite है, मैं बोल नहीं सकती. This is a men's perfume, of course, you guys must know it. I don't think ऐसा कोई होगा कि इसको नहीं पता है. Okay, wait. आई थिंक विकास इसको लेके गया था, क्योंकि मैंने जब बोला कि विकास एक ही परफ्यूम लेके गया तो मुझे जितना पता था विकास इसी को लेके गया, क्योंकि उसके पास बाकी जो परफ्यूम था वो अभी है, मेरे पास ही घर में ही है. क्योंकि उतना तो वो कैरी नहीं कर सकता ना, परफ्यूम का भी अच्छा खासा वेट होता है. सो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है. और ये है मेरा वो परफ्यूम जो मैं पहले लेकर के आया था, और ये भी ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो गया है. सीन ये है कि ये मैं जब कतार से पहला वेकेशन में आई थी, ये विकास के लिए और बाबा के लिए, डॉल्सी & गबाना का ये वाला परफ्यूम मैं दोनों को गिफ्ट किया था, एक विकास के लिए और एक बाबा के लिए. सो उसने संभाल के रखा है, इसीलिए खाली हो गया. लिटरली कुछ नहीं है, सी नथिंग इज देयर, इट्स लिटरली एन एम्प्टी वन. सो बाबा का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, मतलब बेटी ने दिया है तो ऐसा एक यू नो वो है, बहुत कम यूज़ करते थे. तो अभी उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं. एनीवे, अगेन फ्रॉम वर्साचे, इट्स आल्सो इट्स अ मेंस परफ्यूम जो मेरा बहुत फेवरेट है. दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर फेवरेट ऑफ माइंड. ऐसा भी हुआ है मैंने इसको भी बहुत बार, मैं अपने ऊपर भी लाइक यू नो स्प्रे किया है. दो इट्स अ मेंस बट आई लव इट. सो मेरा जब वर्साचे का खरीदा था, ब्लैक जो मैंने दिखाया वो वाला, और ये वाला उसके खुद के लिए खरीदा था. ये बहुत कम है इसलिए विकास लेके भी नहीं गया, थोड़ा सा है. तो विकास बोला कि यार थोड़ा ही है तो तुम ही लगा लो, हम खरीद लेंगे बाद में. सो दीज आर लव फॉर मी मेंस परफ्यूम में. जितना ब्यूटीफुल इसका बॉक्स है, जितना बड़ा इसका बॉक्स है, उतना ही सुंदर इसका यू नो बॉटल है. पर वही होता है ना, कैरी करने के टाइम आप सोचते हो यार इतना बड़ा बॉक्स लेके जाओ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. प्रिटी इजंट इट. सो ये इसका शेप है, यू कैन से लाइक डायमंड शेप. हम लोग ऑलवेज प्रेफर करते टू बाय परफ्यूम ना फ्रॉम ड्यूटी फ्री. ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है. आई थिंक प्राइस ना
इधर आप मॉल से लोगे वहाँ से लोगे उसके हिसाब से बहुत डिफरेंस है, वैरायटी भी बहुत है, यू कैन चूज फ्रॉम लॉट ऑफ ऑप्शन. हाउ प्रिटी इट इज ना, लुक्स लाइक अ फ्लावर. रख देती हूँ, ऐसे भी इसका शेप ना जैसा अनकॉमन है डायमंड में भी जैसा, और क्या बोलूँ, डर लगता है हाथ से गिर ना जाए क्योंकि मेरा एक बहुत खराब आदत है. जो भी मैंने परफ्यूम्स इधर पे दिखाए इसको छोड़ के भी मेरे पास कुछ और है विच आर नॉट रियली परफ्यूम. अच्छा एक है, वेट, ये भी है, इट्स नॉट अ परफ्यूम, इट्स अ एरिथोरेट एंड इट्स फ्रॉम माउंट ब्लैंक. इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा है एक्चुअली. ये भी थोड़ा सा है, मतलब ये मेंस का है बाय द वे. इट स्मेल्स सो गुड बट द थिंग इज दैट इट डजंट स्टे दैट लॉन्ग. ये बाबा को बहुत पसंद था, पर बाबा को मैंने डॉल्चे गबाने वाला दिया है क्योंकि that stays more than this one. This one, ये like what do you call it, like ये विकास ने लाया था बॉम्बे से. बॉम्बे में कुछ काम के लिए गया था तो जब आया था तो ये लेके आया था चीज़ केक, मुझे याद है कुछ हम लोगों में झगड़ा वगड़ा हुआ था तो बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज. हमारे हाँ तुम वही करो, सरप्राइज ही दो, क्योंकि एक्चुअली उसका काम की वजह से ना उसको एक दिन छुट्टी मिलने वाला था तो उसको वो भी नहीं मिला. मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया एक्चुअली कि काम काम काम, छुट्टी के दिन भी अगर छुट्टी ना मिले तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं. आई हैव सम मिनिएचर्स और मैं कुछ यूजफुल टिप देना चाहूँगी, आप बोल सकते हो और कुछ आइडिया बोल सकते हो या फिर. सो दिस इज मिनिएचर वन एंड दीज आर मेन. दिस स्मेल्स सो गुड, इट्स अ मेन्स वन तो कभी कभी मैं भी यूज़ कर लेती हूँ. अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी, आप लोग अगर इतना खर्चा करके ना बड़ा परफ्यूम नहीं लेना चाहते बट यू स्टिल लव परफ्यूम, मैं आपको एक सजेशन दूंगी. जब भी आप ड्यूटी फ्री से लो और वहाँ पे बहुत ऑप्शन रहता है, एक चीज़ है. दूसरी बात है आप मिनिएचर्स ले सकते हो. वाई? बिकॉज मिनिएचर आप एक पैकेट में 6 का 3 का 4 का ऐसा ऐसा रहता है, उससे क्या होगा आपको कम प्राइस में डिफरेंट यू नो फ्रेग्रेंस मिलेगा. सेकेंडली आपको कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, बहुत इजीली कैरी कर सकते हो और अच्छा खासा टाइम आपका चलेगा. और आप बड़ा ले सकते हो आप अगर पसंद है बड़ा वाला 100 ml 80 ml तो, या वो भी ले सकते हो, पर आपको अगर चाहते हो कितना ज़्यादा पैसा ना खर्चा. अच्छा लास्ट टिप मैं बोलूँगी, जब भी आप परफ्यूम कोई खरीदो उसका जो पैकेजिंग है, मैं बोलूँगी पैकेजिंग रखो, उसको फेक मत दो, बिकॉज इट ऑलवेज इजी टू कैरी एंड इट्स अ सेफर वे टू कैरी एक्चुअली, कि वो टूट ना जाए बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रेजाइल ग्लास में होता है. सो वीडियो को मैं और बड़ा नहीं करती हूँ. आई होप कि आपको ये यू नो मेरा जो फेवरेट है कलेक्शन है आप बोल सकते हो तो आपको अच्छा लगा है. मिनी एंड उसके साथ साथ मैंने सोचा ये बोलना बहुत जरूरी है, जो लोग भी परफ्यूम के बारे में सोचे फिर सोचे कि नहीं इतना महंगा है जो है, तो मैंने जैसे सजेस्ट किया यू कैन गो फॉर द मिनिएचर वन, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा एंड यू कैन हैव लाइक डिफरेंट ऑप्शन. ऐसा लगा और आप इनमें से कोई भी परफ्यूम आप यूज़ करते हो प्लीज़ टू लेट मी नो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, एक्साइटिंग लगा, आप नेक्स्ट बार खरीदोगे ज़रूर बताना. थैंक यू, टेक केयर, लव यू. सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. Ooh.